में खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, एमपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें जबलपुर समेत 8 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल में झमाझम बारिश हो रही है और दौर जारी है। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की वजह से ये सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से अब 8 संभागों में बारिश होगी और इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्वालियर में तेज बारिश के चलते एक नीम का पेड़ गिर गया, तो वहीं जबलपुर में बारिश के चलते एक का पेड़ गिरा है। तो दो खबरें आ रही हैं ग्वालियर और जबलपुर से, जहां बारिश के चलते नीम का पेड़ गिर गया। तो तस्वीरें ग्वालियर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नीम का पेड़ ये गिर गया है और काफी पुराना ये पेड़ प्रतीत हो रहा है और ये पेड़ गिर गया। तमाम जो है आसपास गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही, लोग भी इसको देखने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। तो जबलपुर समेत 8 संभागों में बारिश का अलर्ट जारी। तो देखिए बारिश के बीच में इस तरह की खबरें भी सामने आती, पूरी तरह से उखड़ चुका ये ज़मीन से और ये नीचे धराशायी हो गया। तो काफ़ी पुराना पेड़ था और अब ये गिर चुका है। जबलपुर की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए जबलपुर में ये पेड़ गिरा है। तो जहाँ ग्वालियर की आपको तस्वीर दिखाई थी, वहाँ जबलपुर में भी एक पुराना पेड़ गिर चुका है और इस वक्त झमाझम बारिश का दौर जारी है भोपाल में। और ग्वालियर और जबलपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से इस बारिश का ये साइड इफेक्ट